नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आपको जानकारी के लिए बता दूं, प्राचीन भारत हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने लूसेंट से प्राचीन इतिहास डिस्कस कर चुका हूं। ये हम इस लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं आप लोग, और वहां जाके देख सकते हैं। आपको मेरे द्वारा समझाया जा रहा, पढ़ाया जा रहा लेक्चर्स अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए शुरू करेंगे दोस्तों। हम इस लेक्चर में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु बोले हैं, सिंधु का मतलब सिंधु नदी के किनारे से है, सिंधु के किनारे। और सभ्यता का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है। समावेशी विकास को इंगित करने के लिए किया जाता है सभ्यता शब्द का प्रयोग। सभ्य समाज अक्सर उन्नत कृषि करते थे, कृषि होती है, लंबी दूरी के व्यापार भी किया करते थे, व्यावसायिक विशेषज्ञता और नगरीकरण आदि की उन्नत स्थिति का घोतक है ये सभ्यता शब्द, है ना। तो हम बोल सकते हैं सिंधु सभ्यता क्या है करके। तो सिंधु नदी का क्षेत्र हमारी भारतीय संस्कृति का क्षेत्र रहा है, है ना, जहां विकसित संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। जहां विकसित संस्कृति को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे एक शहर विकसित हुआ था, हुए थे या हुआ था, है ना। तो वो है दोस्तों उसी के बारे में। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व हड़प्पा काल करीब, जो इसका हड़प्पा काल करीब 3300 से 2500 ईसा पूर्व माना गया है दोस्तों, माना जाता है 3300 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। चर्चित पत्रिका नेचर, एक पत्रिका है नेचर में प्रकाशित एक शोध हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम 8000 साल पुरानी माना गया है, 8000 साल पुरानी माना गया है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो लिखे हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला फैक्ट देखिए, रेडियो कार्बन C14, क्या है ये विधि का नाम, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विशेष पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है दोस्तों। ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, है ना, कि रेडियो कार्बन विधि के द्वारा कितनी से कितनी मानी गई है। तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है दोस्तों, इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार है, ऐसा विस्तार मिला है इसका, इसलिए इसको त्रिभुजाकार कहा गया है, है ना। इसलिए इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार कहा गया है, याद रखना है। इसका विस्तार कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो त्रिभुजाकार है। तो सबसे पहले ये पद्धति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग, इसको बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग, या फिर इसका नाम है कार्बन 14 डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग। ये एक वैज्ञानिक विधि है दोस्तों, जो लगभग 60,000 साल पुरानी कार्बनिक पदार्थों की आयु का सटीक निर्धारण कर सकती है। ये पद्धति सटीक निर्धारण कर सकती है, है ना, सटीक निर्धारण कर सकती है दोस्तों। तो ये है ना, ये कर सकती है। तो इसके बारे में आपको जानकारी मैंने यहां बता दिया। तो अब देखते हैं ये नेक्स्ट फैक्ट क्या कहते हैं। तिथि निर्धारण की यह पद्धति, जिसे कार्बन 14 या C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री, क्या नाम था उसका, वी एफ लीवी के द्वारा 1946 में की गई थी। याद रखना है, पूछा जा सकता है किसने खोज की थी करके, है ना, ये पद्धति की खोज किसने की थी। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 या C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वी एफ लीवी द्वारा सन 1946 में खोजी गई थी। इस पद्धति से जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है, वह उतनी ही प्राचीन माना जाती है। याद रखना है, कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है, कम की बात हो रही है, ज्यादा नहीं, जितनी कम रहती है उतनी ही प्राचीन मानी जाती है दोस्तों, उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। तो इसी से ये पता चलता है ना। कभी एक चीज आपको याद रखना है, जो कभी पूछी जा सकती है, अगर पूछा यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किसका निर्धारण किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। और कार्बन डेटिंग के द्वारा चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, ये पूछा जाते रहता है, इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कभी पूछेगा यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किसका, तो पृथ्वी की आयु, और कार्बन डेटिंग, ये कार्बन डेटिंग पढ़ रहे हैं ना अपन, कार्बन डेटिंग से चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है, दो क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इसको लिख के बता देता हूं मैं आपको। कभी पूछा यूरेनियम, यूरेनियम से किसका पूछेगा तो पृथ्वी की आयु, है ना, पृथ्वी की आयु। और पूछता है कार्बन वाली, कार्बन डेटिंग, तो इससे पूछेगा चट्टानों की आयु। इसमें गड़बड़ नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये समझ में आ गया, ये भी फैक्ट समझ में आ गया होगा, दो फैक्ट आपको पता चल गया, है ना। अब आगे अपन चलते हैं, है ना, आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट में। सिंधु घाटी की खोज 1921 में राय बहादुर साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी दोस्तों। तो राय बहादुर दयाराम साहनी कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व वेता थे, ये एक भारतीय पुरातत्व वेता थे, तो इनको श्रेय जाता है दोस्तों। हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व दिया गया था इनको, इनको क्या, हड़प्पा की खुदाई का नेतृत्व किया था इन्होंने, और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान इन्होंने खोजा हड़प्पा, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, नाम याद रखना है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा में खुदाई का नेतृत्व किया था। अभी आगे पढ़ेंगे अपन। अगला फैक्ट है सिंधु सभ्यता को अद ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। तो सबसे पहले एक फैक्ट को समझना है, क्या है ये फैक्ट, अद ऐतिहासिक का मतलब क्या है यहाँ पे, अद ऐतिहासिक जिसे प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं दोस्तों, तो अद ऐतिहासिक जिसे प्रोटो हिस्टोरिक कहते हैं, यह ऐतिहासिक काल के मध्य का विषय है, यह प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य का विषय है दोस्तों। ये इधर साइड मैंने पढ़ा दिया, इसको अच्छे से देख लेना आप, ये वाला भाग प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझाया हूं। अब यहां अपन इसी को समझते हैं, अद ऐतिहासिक क्या होता है, तो प्रयोग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के मध्य का समय है दोस्तों। ये वो समय था जब मनुष्य ने खाना प्राप्त करने के लिए खेती करना आरंभ कर दिया था। मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का दौर था, ये मनुष्य के सांस्कृतिक विकास का दौर था, तो उसी में रखा गया है इसको, किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी ब्रांज युग में रखा गया है। तो कांस्य युग उस काल को कहते हैं दोस्तों, जो कांस्य युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने तांबे तथा उनकी रंगों के साथ मिश्रित धातुएं कांस्य का इस्तेमाल किया था, उसे ही क्या बोलते हैं, कांस्य युग, है ना। तांबा तथा उसमें रंगे के साथ मिश्रित धातु यानी कांसे का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसको कांस्य युग कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रोहिस्टोरिक और कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी कहलाए दोस्तों। द्रविड़ का मतलब है यहाँ पे, द्रविड़ कहलाए यानी दक्षिण भारत की तरफ के लोग थे वो, द्रविड़ का मतलब दक्षिण भारत तरफ से आए हुए यानी दक्षिण भारत तरफ के कहलाए यानी द्रविड़ कहलाए, तो दक्षिण में पड़ता है उसे द्रविड़ कहते हैं, तो द्रविड़ कहलाए दोस्तों। एवं भूमध्य सागरी थे, तो भूमध्य सागरी, जो भूमध्य सागर के बारे में आपने पढ़े होंगे, जो भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के मध्य एक स्थित एक सागर है, तो उसके आजू बाजू के रहने वाले लोग तो भूमध्य सागरी थे। तो बोल सकते हैं इस सभ्यता के प्रमुख निवासी क्या थे, एक तो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरी थे, ये याद रखना है। अगला फैक्ट देखते हैं, सर जॉन मार्शल का नाम आता है दोस्तों। सर जॉन मार्शल कौन थे ये, तो सर जॉन मार्शल जो थे ये 1902 से लेके 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे दोस्तों। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे, जो 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरी सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी दोस्तों। विधिवत, विधि के अनुसार यानी विधिवत घोषणा की थी। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी घोषणा किसने की, कभी क्वेश्चन पूछा तो, है ना, कभी क्वेश्चन पूछा तो, तो दोस्तों नाम किसने रखा है पूछा तो, नाम सर जॉन मार्शल ने बताया हमको, हमने को क्या बताया, सिंधु सभ्यता नामक एक उन्नत नगरी सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की, घोषणा किनने पूछेगा, सर जॉन मार्शल दोस्तों। सर जॉन मार्शल जो थे तो ये इन्हीं के सहायता में थे, ये कौन, राय बहादुर दयाराम साहनी, इनके सहायता में थे, सर जॉन मार्शल के सहायक थे। तो उन्होंने, जो राय बहादुर साहनी थे, उन्होंने सर जॉन मार्शल के सहायक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था, है ना। उन्हें नवीन स्थान में प्रकाश और यानी बताने के लिए सिंधु घाटी के बारे में उन्होंने बताया, और फिर धीरे धीरे इसके बारे में पता चला। उन्होंने पहले कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी सिर्फ सिंधु नदी के किनारे ही सीमित है, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना, यानी उन्होंने सोचे कि सीमित है, इसके किनारे ही इतनी बड़ी सभ्यता सीमित थी, इसलिए उसका नाम, सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता या संदेव सभ्यता रखा गया दोस्तों,
रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता या संदेह सभ्यता रखा गया, तो ऐसा करके ये समझ में आया है सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक नगरी उन्नत तो ये रखा गया, ये फैक्ट भी समझ में आ गया होगा, कभी पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट है सिंधु घाटी के सर्वाधिक पश्चिमी पुरातात्विक, देखो पुरातत्व स्थल का मतलब पूरा स्थल का मतलब होता है जो उत्खनन के द्वारा निकला गया, ये पूरा का मतलब पूरा स्थल का मतलब होता है जो उत्खनन के द्वारा खोजा गया, तो यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, यहां पे क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दासक नदी के किनारे, क्या है दासक नदी के किनारे, उसका नाम है सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखना इसका। पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांधा जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी पुरातात्विक स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद अहमदनगर जिला महाराष्ट्र। इसीलिए तो इसको क्या कहा गया है दोस्तों, इसको क्या कहा गया है, त्रिभुजाकार क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो एक स्थल ये हो गया, तो समझ में आ गया है ना, ये वाला बलूचिस्तान तरफ पड़ता है, ये वाला जम्मू कश्मीर तरफ माधा, ये वाला मेरठ वाला हो गया है ना, और ये वाला सबसे नीचे वाला हो गया गोदावरी नदी वाला, इसलिए इसको त्रिभुजाकार कहा गया है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट नाम आ जाते हैं कई बार, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो ये सब अपने को याद रखना है दोस्तों, इसको याद रखना पड़ेगा आपको है ना, तो ये याद रखना है बस इतना ही। अगला फैक्ट देखो क्या बोलता है यहां पे, सिंधु सभ्यता संदेह सभ्यता नगरी सभ्यता थी दोस्तों। नगरी सभ्यता थी का मतलब क्या था, ये नगरी थी, नगर जैसे बना हुआ रहता है वैसी नगरी सभ्यता थी, इसलिए उसको बोला गया नगरी सभ्यता थी दोस्तों। नगरी सभ्यता को बोल सकते हैं हम कि व्यवस्थित कॉलोनी बनी हुई थी, नगरी समस्त सभ्यता थी, व्यवस्थित कॉलोनी बनी हुई थी है ना। सदैव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है दोस्तों, 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। एक तो मोहन जोदाड़ो को दी गई है, मोहन जोदाड़ो कहां पर है दोस्तों, तो मोहन जोदाड़ो जो है ये पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर था है ना, सिंध नदी किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये मोहन जोदाड़ो। हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, तो हड़प्पा जो है ये हड़प्पा कहाँ है, तो हड़प्पा भी उधर ही साइड है, हड़प्पा भी कहाँ है उधर ही साइड है हड़प्पा है ना। ये उसके बाद ये वाला है गढ़वारी वाला ये दोस्तों ये पाकिस्तान में ही पड़ता है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। दावलावीरा कहाँ पर है, तो गुजरात में है दोस्तों। और कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है दोस्तों। तो ये एक पता होना अपने को कि ये सबसे बड़े नगरों के नाम, 6 बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। एक तो मोहन जोदाड़ो को दी गई है, हड़प्पा को दी गई है, गढ़वारी वाला को दी गई है, राखीगढ़ी को दी गई है, धौलावीरा को दी गई है, और कालीबंगन को दी गई है, याद रखना है दोस्तों ये। अगला फैक्ट देखो यहाँ पे, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट थी जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। क्वेश्चन आ सकता है किसे शामिल किया है करके, तो धौलावीरा को शामिल किया है, याद रखना है। अगला फैक्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। जो हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए, गुजरात में खोजे गए, याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहन जोदाड़ो है दोस्तों, याद रखना है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहन जोदाड़ो है, पेपर में आते रहता है ये कई बार, मोहन जोदाड़ो है दोस्तों है ना। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, घग्गर नदी किनारे राखीगढ़ी है। देखो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो मोहन जोदाड़ो लगाना है ठीक, लेकिन भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल पूछेगा तो राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ पे है ये, जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी, किसकी, राखीगढ़ी की है ना, जिसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी, 1963 में सूरज भान ने की थी, ये याद रखना है, ये आ सकता है ना। अगला फैक्ट देखो, लोथल
लोथल क्या है, लोथल है, और उसके अलावा क्या है, सतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था दोस्तों। अभी पूछा जा सकता है लोथल क्या है, लोथल क्या है तो बंदरगाह था, सतकोतदा क्या था तो बंदरगाह था, ये अपने को पता होना, लोथल और सतकोतगा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला है जुते हुए खेत और नक्स, नक्स नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है दोस्तों, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है ना, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन मैंने बता दिया राजस्थान तरफ का एक था, है ना। तो ये जुते हुए खेत मिले और नकाशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य, ईंटों के प्रयोग किया गया था उसके साक्ष्य मिले, ये कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखना ये भी नाम कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अब अपन चलते हैं इधर साइड, है ना, ये वहां तक के समझ में आ गया होगा आपको। देखो मोहन जोदड़ो से प्राप्त स्नान घर, दोस्तों एक स्नान घर मिला है, स्नान घर संभवत सदैव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, याद रखना है सबसे बड़ी इमारत मिली है इसी को बोले स्नान घर को, जिसके मध्य स्नान कुंड स्थित है, वहां पे एक बीच में बना हुआ स्नान कुंड स्थित है जो 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है, है ना, उसके अलावा 2.4 मीटर गहरा है दोस्तों। तो इतना बड़ा स्नान कुंड मिला है, क्वेश्चन आ सकता है मोहन जोदड़ो से प्राप्त स्नान नगर है ना, संभवतः सदैव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड मिला है। अगला है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए, याद रखना है ये क्वेश्चन आ सकता है ना, अगर मैं इसका एमसीक्यू वाला टॉपिक भी करवाऊंगा पूरा, है ना, तो अग्निकुंड जो है लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन से प्राप्त हुआ है, ये भी फैक्ट एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोहन जोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर तीन मुख वाले देवता एक सिल मिली है दोस्तों, सिल पर तीन मुख वाले देवता पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। इसके चारों ओर हाथी गेंडा चीता एवं भैंसा विराजमान है, जो सिल मिली है उसके चारों ओर एक तरफ चारों ओर में हाथी गेंडा चीता एवं भैंसा विराजमान है, तो याद रखना ये पूछा जा सकता है। पशुपति मोहर सर जॉन मार्शल के अनुसार उसने हमको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहन जोदाड़ो पुरातात्विक स्थल में मिली पशुपति की एक मोहर का नाम मिला है, एक चित्र मिला है, मोहर मिली है, सील मिली है ना, तो उसको अपन बोल सकते हैं मोहर यानी सील, मोहर का मतलब सील होता है, तो ये फैक्ट याद रखना है। अगला फैक्ट है मोहन जोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, नाचने वाली एक मूर्ति है ना, तो मोहन जोदाड़ो में पाई गई नृत्य करती हुई लड़की की एक कला आकृति जो लगभग 4500 वर्ष प्राचीन मानी गई है दोस्तों। 1926 में मोहन जोदाड़ो के घर में नृत्य करती हुई लड़की की 10.8 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति मिली है जो कांस्य से बनी हुई है, इसीलिए इसको बोले मोहन जोदाड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, समझ में आया। अगला फैक्ट देखो हड़प्पा की मोहरों पर जो मोहरें मिली है सिल पर मिली है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है, श्रृंगी पशु का अंकन मिला है दोस्तों। श्रृंगी पशु क्या होता है तो संगी पशु क्या होता है ये पता होना सबसे पहले, है ना, श्रृंगी पशु का एक अंकन मिला है, यहां से प्राप्त एक आयतकार मोहर से स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाई देता है दोस्तों। तो एक सील मिली है या फिर उसको बोल सकते हैं मोहर मिली है, दीवार पे मिली है या कहीं मिली होगी, तो उसमें क्या है एक आयतकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है उस मोहर में, सील में, है ना। तो ये एक फैक्ट अपने को याला बनता है, हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु, ये याद रखना है, श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, श्रृंगी पशु क्या है तो ये पता होना अपने को। श्रृंगी शब्द होता है इसका आम तर्क होता है सिंह वाला दोस्तों, सिंह वाला पशु को ही श्रृंगी पशु कहा गया है ना। सिंह वाले पशु कौन से होते हैं तो सिंह वाले पशु वही सब जो मैंने बताया है ना, ये सब सिंह वाले पशु होते हैं जिनके सिंह रहते हैं, जैसे कि बोल सकते हैं अपन गाय बैल बकरी, ये सिंह वाले पशु को ही श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहां से प्राप्त आयतकार मोहरे, एक मोहर मिली है उसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, याद रखना है। उसके बाद अगले देखा है मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुनहु दहड़ो चुनहु
दहाड़ों से मिले हैं दोस्तों। मनके, मनके का मतलब क्या होता है यहाँ पे, है ना, लोथल से मनके बनाने का कारखाना और एक कपास के सबूत मिले हैं। कहाँ से, कहाँ से मिले हैं ये, लोथल से मिले हैं और चुंदाड़ों से मिले हैं, चुंदाड़ों से मिले हैं। तो याद रखना है ये मनके का मतलब वही होता है। यहाँ पे मनके आने जैसे बर्तन बनाते थे ना मनके, है ना, ये उसका मतलब है दोस्तों, है ना। अगला फैक्ट है सिंधु सभ्यता, सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी दोस्तों। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या है यहाँ पे, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक का मतलब है चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता था, दर्शाया गया हुआ है यहाँ पे सब चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। कभी कभी किसी विचार को प्रकट करने के लिए शब्दों का बगैर इस्तेमाल किए चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, उसे ही अभिचित्रात्मक, अभिव्यक्ति चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक कहते हैं दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी कि चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। इसलिए ये जो लिपि थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है दोस्तों। अभी अपन जो भी कुछ लिखते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिखूंगा तो इधर साइड से लिखते हैं बाएं से दाया, लेकिन वो इधर से इधर लिखते थे। अपन लोग इधर से इधर लिखते हैं, लेकिन वो इधर से इधर लिखते थे, तो उल्टा लिखते थे। याद रखना है, तो याद रखना है, ये याद रखना है कि ये लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। ये हो गया कौन सा, बायां, और ये हो गया दायां। तो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, अपन लोग इधर से लिखते हैं दाएं से बाएं की ओर, है ना। तो यहां की जो लिपि थी ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, जबकि ये एक अभिलेख से अधिक पंक्तियों का होता था। एक अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था, तो पहली पंक्ति बाएं से दाएं ओर और दूसरी पंक्ति दाईं से बाईं ओर की लिखी जाती थी। पहली पंक्ति बाएं से दाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं, यानी पहली पंक्ति दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं लिखी जाती थी। समझ में आ गया होगा आपको। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? पहली सभ्यता थी दोस्तों सुमेरिया की सभ्यता। सुमेरिया की सभ्यता कहाँ थी? सुमेरी लोगों के भारत के साथ व्यावसायिक संबंध थे। जो सुमेरिया की सभ्यता के लोगों के लोगों का संबंध भारत के व्यापार संबंधित थे। सुमेर लोग पूर्व में अपना उद्गम मानते, तो ये कहाँ पे है ये सभ्यता कहाँ है, है ना। तो ये सभ्यता कहाँ पे मिली है अपने को पता होना, ये जो है टिग्रिस नदी के किनारे विकसित हुई थी ये सभ्यता। टिग्रिस नदी के किनारे ये विकसित हुई थी ये सभ्यता, और इस सभ्यता में भारत के साथ व्यापारिक संबंध की जानकारी भी मिलती है हमको। इस सभ्यता में भारत के साथ व्यापारिक संबंध की जानकारी भी मिलती है। तो सबसे पहले लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता यही थी सुमेरिया की सभ्यता, जो टिग्रिस नदी के किनारे थी दोस्तों, है ना, टिग्रिस नदी के किनारे में। सुमेरियन सभ्यता ही बोलते हैं इसको। अगला है सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति क्या होता है? तो ग्रिड सिस्टम की तर्ज पर एक व्यवस्थित टाउन प्लानिंग करते थे ये। ग्रिड पद्धति की तर्ज पर एक व्यवस्थित टाउन प्लानिंग करते थे, यानी सड़कें और गलियां एक दूसरे के लगभग समकोण पर काटती थी। इस प्रकार शहर को आयतकार ब्लॉकों में विभाजित किया जाता था दोस्तों, उसे ही बोलते हैं ग्रिड पद्धति। क्या थी, कभी पूछा ग्रिड पद्धति क्या थी, तो ग्रिड सिस्टम की तर्ज पर व्यावसायिक टाउन प्लानिंग है, यानी सड़कें और गलियां एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती है, इस प्रकार शहर को आयतकार ब्लॉकों में विभाजित करती है, उसे ही ग्रिड पद्धति कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, ये भी याद रखना है। अगला फैक्ट है घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। जैसे ये सड़क है और ये मकान बने हुए हैं, है ना, तो सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। सही बनाए थे वैसे इनने, है ना, तो पिछवाड़े की ओर खुलती थी। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, याद रखना ये। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, पूछा जा सकता है केवल किसके, है ना। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं एवं जौ, तो गेहूं सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं एवं जौ थी, याद रखना है, पूछी जाएगी। सदैववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सदैववासी यानी सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले, रंगपुर से मिले हैं, रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं, और धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। धान से ही तो चावल निकलता है दोस्तों, तो धान की खेती होने के प्रमाण मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं दोस्तों।
चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिसमें धान की खेती होने का प्रमाण मिला है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। अगला फैक्ट है सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सदैवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। दोस्तों सदैवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले, क्वेश्चन आ सकता है। तो घोड़े के अस्थि पंजर मिले सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से मिले, है ना, लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले। तौलने की इकाई संभवता 16 के अनुपात में थी। यहाँ पे तौलने की इकाई तो तौलने की इकाई जो दोस्तों ये क्या था, यहाँ पे तौलने की इकाई 16 के अनुपात में थी, क्वेश्चन आता है दोस्तों डायरेक्ट, तो क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। तो क्या था, तौलने की जो तौलते ना अपन किलोवाट में या कुछ में, उसकी जो 16 के अनुपात में रखी गई थी, अपने को यहाँ से इतना ही याद रखना है 16 के अनुपात में क्या थी करके। तो तौलने की इकाई क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी सभ्यता में तौलने की इकाई संभवत 16 के अनुपात में थी। 16 का अनुपात याद रखना, बस इतनी चीजें याद रखना है यहाँ से। सदैव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। बैलगाड़ी और जो भैंस से चलने वाली गाड़ी रहती है उसको भैंसा गाड़ी कहते हैं। बैल जो खींचते हैं उसको बैलगाड़ी, भैंस जो खींचती है उसको भैंसा गाड़ी। तो इसका प्रयोग करते थे दोस्तों, दो पहियों वाले और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। मोसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मोसोपोटामिया का अभिलेख है दोस्तों, एक है ना, ये कहाँ पे है ये अभिलेख, तो ये पश्चिमी एशिया में फर्रास की खाड़ी के उत्तर में स्थित है। ये इराक को प्राचीन में मेसोपोटामिया कहा जाता था दोस्तों, जो इराक है इराक को प्राचीन में मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो वहाँ पे भी एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते थे। तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है दोस्तों, ये आ सकता है। मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो वो जो सभ्यता है वहाँ पे एक अभिलेख मिला है उसमें नाम लिखा हुआ है मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभावत हड़प्पा संस्कृति का शासन व्यापारिक वर्ग के हाथों में था दोस्तों, है ना। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था, व्यापारिक वर्ग के हाथों में था। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे इसमें कुछ और फैक्ट लिख रखे हैं उसको देखते हैं। पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, किसने कहा है करके क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों अर्नेस्ट पिंगोट लिखा हुआ है, या अर्नेस्ट पिंगोट या पिंगट बोलते हैं उसको, ये एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, है ना। तो उन्होंने कहा है दोस्तों, तो कौन थे ये, तो ब्रिटिश पुरातत्वविद थे जो प्रागैतिहासिक पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने कहा था हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है, किसने कहा करके क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे, याद रखना है, है ना, याद रखना है दोस्तों। उसके अलावा अगला फैक्ट है वृक्ष पूजा की जाती थी, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। तो वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं, याद रखना है ये भी फैक्ट। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है दोस्तों। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में तो आप जानते ही हैं, स्वास्तिक चिन्ह तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके अलावा जो मेसोपोटामिया के सिक्के पर भी स्वास्तिक चिन्ह बना मिला है और अपने यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की देन है ये स्वास्तिक चिन्ह जो है ये संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सूर्य उपासना का मतलब सूर्य की पूजा, है ना,
सूर्य की पूजा की जाती थी, तो इसमें जो है सूर्य सूर्य का प्रतीक माना जाता है, स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक भी माना जाता है और सूर्य भगवान की उपासना, सूर्य देव की उपासना का अनुमान लगाया गया है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, ये फैक्ट याद रखना है। सिंधु सभ्यता के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मृत देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। मृत देवी का मतलब क्या है यहाँ पे? मृत देवी की पूजा करते थे उन लोग, यानी दिव्य महिला शक्ति होती थी, या दिव्य महिला, कोई दिव्य महिला शक्ति को मृत देवी कहा गया है। तो सिंधु सभ्यता में मृत देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी, याद रखें। पशुओं में कुबड़ वाला सांड, दोस्तों एक वहाँ कुबड़ वाला सांड मिला है, है ना, तो वहाँ की एक सील मिली है, उसमें कुबड़ वाला सांड बना हुआ है। तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय रहा है, विशेष पूजनीय था। तो कुबड़ वाला सांड, जैसा सांड होता है वैसे ही सांड था, लेकिन उसमें कुबड़ निकला हुआ था, है ना। तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के विशेष पूजनीय रहा है, पूछा जाता है, याद रखना है। अगला है, स्त्री जो थी वो मृण मूर्तियां, जैसे कि मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संधेव सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, सिंधु समाज मात्र सत्ता सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे ये होता है स्त्री प्रधान, स्त्री प्रधान यानी स्त्रियों की ज़्यादा चलती थी, यानी स्त्रियों की भूमिका भी थी, जैसे कि बर्तन बनाने में रही होगी, है ना, और घर चलाने में रही होगी। जैसे एक महिला होती है जो अपने परिवार को चलाती है, परिवार चलाती है, तो उसे ही बोला गया, यानी कि उसको बोल सकते हैं हम स्त्री प्रधान। स्त्री की भूमिका परिवार में, अपने समाज में ये थी, उसे ही बोला गया मृत सत्तात्मक। समझ आ गया। अगला फैक्ट है, संदेववासी सूती एवं ऊन वस्त्र का प्रयोग करते थे, याद रखना है। एक तो सूती का भी और ऊन वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए संदेववासी मछली पकड़ना करते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे मनोरंजन के लिए। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना भी काम था इनका, कि पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे और बैठ के चारों तरफ उसको देखते थे। चौपाड़ एवं पासा खेलना पसंद करते थे। चौपाड़ भी एक खेल होता है दोस्तों, जो चार तरफ से होता है उसमें, है ना, चौपाड़ ऐसा चौपाड़। तो इसमें भी जैसे वो गोटी खेलते हैं वैसे चौपाड़ एवं पासा तो आप जानते ही होंगे, है ना, पासा खेलना आदि संसाधनों का उपयोग करते थे, ये याद रखना है। फिर अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए गए काली मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग के डिजाइन किए गए काली रंग के बर्तन बनाते थे, याद रखें। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, है ना। उसके अलावा कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किलों से घिरा हुआ था। तो एक किला बना हुआ है, किलों से घिरा हुआ था वो शहर, पूरा किलों से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियां। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों से खेत जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के प्रमाण भी मिले हैं। तो अग्नि पूजा जो खेत जोते जाने और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण भी मिले हैं दोस्तों, याद रखना है। पर्दा प्रथा एवं वैश्यवृत्ति संदेव सभ्यता में प्रचलित थी। तो पर्दा प्रथा दोस्तों, जैसे पर्दा प्रथा नहीं होती क्या, जिसमें अपने चेहरे को या शरीर को ढाक के रखते हैं, तो वो प्रथा भी इस टाइम पे कुछ समाज में प्रचलित थी। उसके अलावा वैश्यवृत्ति भी थी दोस्तों। वैश्यवृत्ति यानी कि जिसे बोल सकते हैं अपन जिस्म फरोसी, है ना, जिस्म फरोसी। तो जिस्म फरोसी भी थी इस समाज में। तो एक किस्म का कारोबार होता है जिसमें पैसे के लिए शारीरिक रिश्ते बनाए जाते हैं, तो वाला है। तो अपन इसको बोल सकते हैं पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सदैव सभ्यता में प्रचलित थी, याद रखना है। शवों को जलाने एवं गड़ाने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। शवों को, जो बॉडी होती थी मरने के बाद, उसको जलाने एवं गड़ाने कि दोनों प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाते थे जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो याद रखना है, हड़प्पा में शवों को दफनाते थे और मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है। तो दोस्तों खुदाई के दौरान लोथल एवं कालीबंगा में
युग्म समाधियां मिली है। अगला फैक्ट देखते हैं, सदैव सभ्यता के विनाश का संभावत सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था दोस्तों। तो ये फैक्ट क्या कह रहा है, इसका विनाश कैसे हुआ, है ना। तो आपको बता दूं, अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ है, यानी क्रपोक ने प्रकोप से हुआ है। क्योंकि सिंधु सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई थी, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था यहाँ पे। अतः यह तर्क सर्वमान्य है, यानी तर्क लगाया गया है, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। तो कुछ का मानना है कि केवल बाढ़ के कारण नहीं हो सकती, और बाकी ज़्यादातर अधिकांश विद्वानों का मानना है कि बाढ़ के कारण हुई थी। इसीलिए तो आपने एक ऋतिक रोशन की मूवी बनी है मोहन जोदाड़ो, उसमें देखा होगा लास्ट में बाढ़ आ जाती है और सिंधु सभ्यता समाप्त हो जाती है। तो मोहन जोदाड़ो जो बनी है दोस्तों, यहीं से टॉपिक उठा के बनाई गई है। अगला फैक्ट है, आग में पकी हुई ईंटों को टेरा कोटा कहा जाता है। तो आग में जो ईंटें पकी हुई थी, आग में पकी हुई ईंटों को टेरा कोटा कहा गया दोस्तों। टेरा कोटा का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, लेकिन कौन सी वाली बर्तन, तो आग में पकी हुई मिट्टी के बर्तन। आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, टेरा कोटा किसे कहा जाता है, तो आग में पकी हुई मिट्टी, है ना, आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा जाता है। तो देखो, आग में पकी हुई मिट्टी से कई सारी चीज बनाई जा सकती थी, जैसे कि उन लोग शिल्प का निर्माण कर सकते थे, वस्तुकला का निर्माण कर सकते थे, पाइप बना सकते थे, कोई मूर्ति बना सकते थे। इसलिए यहाँ बोला गया है कि आग में पकी हुई मिट्टी को टेरा कोटा कहा गया है। अब उससे कई सारी चीजें बनाई सकते, छत की टाइल से बनाई जा सकती थी, इमारतें, सजावटी सामान, है ना, कई सारी चीजें, ईंटें बना सकते थे पकी हुई इससे। तो ये सब चीज को कहा गया है, बस इतना याद रखना है। तो ये हमने फैक्ट डिस्कस किया, अब ये फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, है ना। तो दोस्तों देखो, यहाँ छोटे से बॉक्स में बना हुआ है, सिंधु काल में विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार कौन से करते थे, तो यहाँ पे लिखा है आयातित वस्तुएं। आयातित वस्तुएं का मतलब होता है दोस्तों बाहर से मंगाया हुआ सामान, बाहर से मंगाया हुआ। अब वो अपने देश से ही मंगा सकते थे, या बाहर से भी अपने यहाँ बुला सकते थे सिंधु सभ्यता में। तो वही बताया गया है। तो तांबा कहाँ कहाँ से बुलाया जाता, तो खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान, से मंगाया जाता था, है ना, मंगाया जाता था। उसके अलावा चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। सोना कहाँ से, तो कर्नाटक से, अफगानी से और ईरान से, है ना। टीन कहाँ से, तो अफगानिस्तान और ईरान से। गोमेद जो था एक प्रकार का ज्वालामुखी और रूपांतरित चट्टान के भीतर बनते हैं दोस्तों, एक पत्थर होता है ना, उसको तराश के बनाया जाता है। ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है रूपांतरित हो जाता है, तो वो चट्टान को तराश के बनाया जाता है, जैसे हीरा टाइप का, है ना। तो उससे क्या बैंडेड बनाए जाते थे, इससे क्या बैंडेड बनाए जाते थे। तो ये मंगाया जाता है सौराष्ट्र यानी गुजरात से, है ना। उसके अलावा है लाजवर्थ। ये लाजवर्थ मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था दोस्तों। ये लाजवर्थ जो होता था, ये नीले रंग का पत्थर होता था, है ना। लाजवर्थ नीले रंग का पत्थर होता था, जो प्राचीन काल में सुंदर नीले रंग के पसंद किए जाते थे, बहुत महंगे मिलते थे, नवरत्नों को मान्यता दी गई थी, नवरत्न बोलते थे इसको। तो ये पत्थर होता था नीले रंग का, जो काफ़ी कीमती, और इससे कई सारे आभूषण और कई सारी चीज़ें बनाई जाती थी। ये मेसोपोटामिया से मंगाई जाती थी। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया कहाँ था, ये मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है दो नदियों के बीच। तो मेसोपोटामिया में चार प्रसिद्ध सभ्यताएं हुई है दोस्तों। एक तो सुमेरिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैलड्रिया की सभ्यता। तो ऐसी चार सभ्यता हुई है, तो वहां से मंगाया जाता था ये, है ना। अगला है सीसा, ईरान से मंगाया जाता था।
सीसा ईरान से मंगाया जाता था, तो ये पता रहना चाहिए, थोड़ा सा कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने फैक्ट वाला डिस्कस कर लिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, उत्खनन करता और वर्तमान स्थिति डिटेल में धमाकेदार तरीके से बताऊंगा। दोस्तों आप लोगों को लेक्चर देख लिए होंगे और आपको लेक्चर समझ में आया होगा तो आप उसका रिविजन करें, है ना, कैसे भी तरीके से रिविजन करें और आपको आसानी चल जाएगी। थोड़ा सा जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको मैंने बताने और समझाने की कोशिश की हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।